नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल AGP Legal Solutions में। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। अभी कोरोना की बीमारी बहुत ज़्यादा ही फैल रही है, इससे आप बचाव करिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। आज बात करेंगे वकीलों के काले कोट के बारे में। अच्छा, जैसे अलग अलग प्रोफेशन में लोग अलग अलग जैसे लोग अलग अलग प्रोफेशन में लोग अलग अलग ड्रेस कोड होता है। जैसे डॉक्टर्स का व्हाइट कोट, वकीलों का ब्लैक कोट, इंजीनियर्स के लिए हेलमेट होती है, वैसे ही वकीलों को काले कोट से पहचाना जाता है। जैसे इंडिया है या कोई भी कंट्री है तो वकीलों को काला कोट व्हाइट शर्ट से पहचान लिया जाता है कि ये वकील साहब। कुछ देशों में ये ड्रेस कोड अलग है, जैसे कनाडा में है व्हाइट और रेड, लेकिन ज्यादातर देशों में सब ऐसा ही है, काला और सफेद। इंडिया में भी ऐसा ही है, काला मेल फीमेल दोनों के लिए काला कोट अनिवार्य। आज हम बताते हैं वकील आखिर काला कोट पहनते, चलिए इसके लिए हिस्ट्री में चलते और काले कोट के इतिहास की शुरुआत होती है इंग्लैंड से। ये तीन ट्रेडिशन की वजह से ऐसा हुआ। पहला है कि जब 17वीं शताब्दी में, जब 1685 में किंग चार्ल्स टू की मृत्यु हुई, उस समय सब लोगों ने दुख प्रकट करने के लिए ये परिधान धारण करा, काला और सफ़ेद। दूसरा है जिसकी वजह से ऐसा है, 1694 मतलब 1694 में जब सारे नेशन के जज आए, क्वीन मैरी का जब देहांत हो गया तब काला और सफ़ेद पहन के आए, और काफ़ी साल तक, मतलब उनके दफन करने के बाद, उनको काफ़ी साल के बाद तक भी ये परिधान जारी रहा। उसका तीसरा है जब क्वीन एनी, स्कॉटलैंड की रानी, जब 1714 में उनकी डेथ हुई तब भी ऐसा ही काला और सफ़ेद पहना गया। तो इस वजह से तब से ही चला आ रहा है कि वकील लॉयर्स का या एडवोकेट्स या बैरिस्टर्स या सबका परिधान या जजेस का परिधान काला और सफ़ेद होगा। दूसरा, हमारे ऊपर अंग्रेजों ने काफ़ी साल राज किया, इस वजह से हम लोग उन्हीं का जो सिस्टम है इंडिया में वही फॉलो करते हैं, इसलिए हम लोग की भी ड्रेस काली और सफ़ेद है। चलते हैं कि आखिर काला और सफ़ेद ही क्यों। काला रंग चूज करने के लिए ये है कि उस समय, जैसे पुराने समय में डाई नहीं हुआ करती थी, मतलब और कलर नहीं हुआ करते थे, खाली पर्पल हुआ करता था और काला। पर्पल हो गया जो सब राजा रॉयल फैमिलीज के लिए, काला हो गया औरों के लिए। दूसरा, काला से अथॉरिटी और डोमिनेंस होता है। तीसरा है कि पावरफुल और इम्पैक्टफुल होता है काला रंग। चौथा है एलिगेंट होता है काला रंग, और काला रंग सबमिशन टू जस्टिस, सब न्याय के प्रति सबमिशन, ये दर्शाता है। सफ़ेद रंग प्योरिटी, गुडनेस, इनोसेंस, होप फॉर जस्टिस, और लोगों को जुडिशियल सिस्टम में विश्वास रखने के लिए सफ़ेद रंग। अच्छा, हम लोग वाइट नेक बैंड क्यों पहनते हैं। इंग्लिश मैन जो थे, अंग्रेज जब बैरिस्टर वहाँ पे होते थे, वो एज अ पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म उनका था ये वाइट बैंड। ये बैंड क्रिश्चियन बिलीफ पे आधारित है, क्योंकि वहाँ सब इंग्लैंड में क्रिश्चियन ज्यादा रहते हैं, तो वहाँ क्रिश्चियन बिलीफ पे आधारित है। जो दो बैंड इसमें है टैबलेट्स टाइप के, तो एक टैबलेट रिप्रेजेंट करता है टैबलेट ऑफ लॉ और दूसरा टैबलेट ऑफ स्टोन, मतलब एक है लॉ ऑफ गॉड और दूसरा है लॉ ऑफ मैन। ये फर्स्ट एग्जांपल है यूनिफॉर्म कोड लॉ का। और विग सिस्टम भी था, जब विग लगाते थे पहले के जजों को आपने देखा होगा, जो विग लगाते थे इंग्लिश पीरियड के, हम लोग के जब आज़ादी नहीं मिली थी तब भी आपने देखा होगा पिक्चरों में भी कि विग पहन के बैठते थे जज। ये भी आप समझ लो इंग्लैंड का ही है, और ये उस समय, मतलब उनके बीच में जो पोस्ट का अंतर होता था उसको दर्शाता था, और बाकी ये पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म भी था बस। अब इसका चलन इतना है। अब रही बात इंडिया की, ड्रेस कोड ऑफ एडवोकेट्स इन इंडिया, ये चैप्टर पार्ट 4 चैप्टर 4 बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 है, उसमें अंडर सेक्शन 49 क्लॉज 1 सब क्लॉज GG में डिफाइन, कोई भी कंडीशन हो, इट सेज दैट कोई भी कंडीशन हो अपियरिंग बिफोर किसी कोर्ट में जाने से पहले एडवोकेट को, अगर
मैन आदमी है या मेल एडवोकेट है, तो ब्लैक बटन कोट अचकन पहन ले या शेरवानी पहन ले, वाइट बैंड और एडवोकेट गाउन, या ब्लैक ओपन ब्रेस्ट कोट या वाइट कॉलर, या कड़ा कॉलर हो या सॉफ्ट कॉलर हो या वाइट बैंड हो विथ एडवोकेट गाउन, लंबे ट्राउजर्स पहनने हैं, वाइट पहन सकते हैं, ब्लैक पहन सकते हैं या धारी वाले या ग्रे या धोती, बट जीन्स नहीं पहन सकते हैं कोर्ट में, टाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशंस कोर्ट और सिटी सिविल कोर्ट्स, इनको छोड़ के सब जगह आप टाई भी पहन सकते हैं बैंड की जगह। फीमेल एडवोकेट्स के लिए ब्लैक स्लीव्स जैकेट, ब्लाउज, वाइट कॉलर कड़ा हो या सॉफ्ट हो, वाइट बैंड एडवोकेट गाउन, वाइट ब्लाउज विद वाइट कॉलर और विदाउट कॉलर, विद वाइट बैंड, ओपन ब्रेस्टेड कोट, साड़ी पहन सकते हैं, पंजाबी ड्रेस पहन सकते, गाउन ऑप्शनल है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही पहनी नहीं, बाकी सिविल कोर्ट्स और अदर कोर्ट में कोई ज़रूरत नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और एक और ज़रूरी बात, कोरोना की वजह से जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम स्टार्ट हुआ है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि एडवोकेट्स प्लेन वाइट शर्ट, सलवार कमीज, साड़ी विद प्लेन वाइट नेक बैंड, जब वीडियो वर्चुअल कोर्ट हो उसमें इतना पहन सकते हैं, बाकी अगर जैसे कोई भी मेडिकल अदर कंडीशन हुई तो उस पर सोचा जाएगा।